दोस्तों नमस्कार। कुछ समय पहले तक भारतीय क्रिकेट टीम जो है अच्छे प्रदर्शन पर जोर देती थी कि अच्छा खेलोगे जीतोगे, लेकिन कंडीशंस को दरकिनार कर देती थी। और आपको याद होगा WTC का फाइनल, आप याद कीजिए, पहला जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था, वहाँ कंडीशंस साउथहैम्पटन का मैदान था, कंडीशंस जो है वो तेज गेंदबाजों के लिए बहुत अनुकूल थी। उसके बावजूद हमने रविचंद्रन अश्विन को खिलाया, रविंद्र जडेजा को खिलाया और उसका नतीजा आपके सामने है। लेकिन अब भारतीय टीम कंडीशंस को बहुत महत्व देती है, यहाँ तक कि आप देखिए सूर्य कुमार यादव जो ट्रेडिशनली या ये कहिए कि जो उनके परंपरागत शॉट्स हैं वो शॉट्स भी वो नहीं लगाते और यहाँ पर अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, कंडीशंस के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ मैच को याद कीजिए, जब उन्होंने 50 रन की पारी खेली थी, केवल 50 रन की पारी 49 गेंदों पर खेली थी, यानी 49 गेंदें उन्होंने खर्च की थी और भारतीय टीम जीती। लेकिन इसके बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मुकाबला याद कीजिए, दोनों बार वो एक सहयोगी, रोहित शर्मा के सहयोगी के तौर पर दिखाई दिए हैं, खास तौर पर जब उन्होंने जो है 131 के स्ट्राइक रेट से 47 रन की पारी खेली इंग्लैंड के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने 31 रन की पारी खेली। 31 रन की पारी तो फिर भी उनकी ताबड़तोड़ पारी थी, लेकिन 47 रन की पारी जिसने रोहित शर्मा के साथ टीम के स्कोर को आगे तक पहुंचाने तक, दूर तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया था। तो इस तरह से ये कंडीशंस का सम्मान इसे ही कहते हैं। रोहित शर्मा जो शुरुआती ओवरों में जिस तरह से पेस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, यानी जो तेज गेंदबाज की जो पेस है उस पर दिशा देकर कई बार बल्लेबाज को अच्छे खासे रन मिल जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं और लो बाउंस का भी कोई ऐसा फायदा नहीं उठाते। इससे जाहिर होता है कि उन्होंने अपने गेम को बहुत सीमित किया है शुरुआती चंद कुछ ओवरों में, 3 से 4 ओवरों में। इसे ही कहते हैं पिच कंडीशंस का सम्मान करना, पिच का सम्मान करना और पिच के अनुकूल अपने आप को ढालना। इतना ही नहीं, अगर आप जसप्रीत बुमराह को देखें, यॉर्कर उनका एक मुख्य हथियार हुआ करता था, लेकिन यॉर्कर अब गायब है उनकी गेंदबाजी से, उनके तर्कश के तीर में अब यॉर्कर नहीं है। अब आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो उनकी गेंदबाजी में स्लोअर वन ज़्यादा है, ऑफ कटर ज़्यादा है और उन गेंदों पर वो विकेट ले रहे हैं, चाहे वो ट्रेविस हेड का विकेट लें, चाहे वो मोहम्मद रिजवान का विकेट लें या फिर अन्य जो जमे जमाए जो बल्लेबाज होते हैं जो जम जाते हैं क्रीज पर, उनको उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। उस वक्त याद किया जाता है जसप्रीत बुमराह को और बुमराह भी निराश नहीं होने देते अपनी टीम को। और बुमराह के अलावा आप अक्षर पटेल को देखें, अक्षर पटेल जो पूरी तरह से स्टेटर वन पर पूरी तरह केंद्रित थे, इस बार वो स्टेटर वन उनकी उतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही, उसमें टर्न भी है और ये कहते हैं मौके की नज़ाकत के हिसाब से अपने खेल को ढालना, इसे ही कहते हैं। और इसी वजह से, इसी कंडीशंस का सम्मान करने की वजह से भारतीय टीम अपने मुकाबले एक तरफा तरीके से जीती है और अब उम्मीद कीजिए कि फाइनल में भी ऐसा ही हो। कंडीशंस का भारतीय टीम सम्मान जैसा कर रही है ऐसा ही यहाँ भी अपेक्षित है उससे, भारतीय टीम से। और अगर ऐसा हुआ तो फिर चमचमाती ट्रॉफी भारत के हाथ में आने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, नमस्कार।